बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। मैं यूट्यूब चैनल, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पबजी लाइट का जो है उसकी चेंज कर सकते हैं, सेटिंग अच्छे वाली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेटिंग बहुत कमाल की है। आप इस सेटिंग के मुताबिक पबजी खेलें तो आपको पता लग जाएगा ये सेटिंग कैसी है। ठीक है, तो इसकी सेटिंग बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको कह दूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप नई वीडियो देख सकें। तो सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग में। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है ये देखें, जो इधर लिंक्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इधर एम असिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपने हैवी पे करना है। ठीक है ना, और जो ये जो ब्लॉक्ड साइट वार्निंग लिखा हुआ है ये इनेबल करना है। ठीक है, ये जो सेटिंग आपको नज़र आ रही है इसके मुताबिक आपने सेटिंग करनी है। ठीक है ना, तो इसके मुताबिक आप करेंगे तो आपको खुद पता अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस तरीके से जो है अच्छी सेटिंग के ज़रिए आप खेल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपने ये देखें, ये पीक एंड फायर, तो इसको भी इस मेरी सेटिंग के मुताबिक ही आप कर ले सेटिंग। ठीक है, तो इसके बाद डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन, ठीक है, इसको आपने ऑलवेज ऑन रखना है, और इसके बाद गायरोस्कोप को जो है क्लोज रखना है। ठीक हो गया, और इसके बाद आपने ऑटो डोर्स इनेबल करने हैं कि आप जब भी दरवाजे के अंदर एंटर हो तो दरवाजे को आपको ओपन का ऑप्शन ना, डायरेक्ट आप दरवाजे के अंदर चले जाएं। ठीक है, इसके बाद साइड इनेबल करना है और यूनिवर्सल मार्क भी आपने इनेबल करना है। ठीक है ना, हीलिंग प्रोमो इनेबल, क्विक सेकेंडरी वेपन क्लोज। ठीक है, आगे अलो अदर टू सी यूर रिजल्ट, ये देखें इनेबल करना है, और इन दोनों को भी आपने इनेबल कर लेना है। ठीक है, तो ये सेटिंग आपकी जो बहुत अच्छी होगी। कंट्रोल्स में जाकर आप जो है पर्सनलिटी, ठीक है, ये देखें, ये मेरी सेटिंग देख लें, इसके मुताबिक मैं खेलता हूँ तो ये सेटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, सेंसिटिविटी ये देखें, सेंसिटिविटी में आ जाए तो ठीक है ना, ये देखें ओवरऑल जो है कस्टमाइज की हुई है मैंने। ठीक है ना, लो मीडियम हाई नहीं कस्टमाइज मैंने खुद के मुताबिक इसकी सेटिंग की है। ठीक है, जो कैमरा सेंसिटिव है फ्री लुक उसको आपने 100 पे रखना है, और उसके बाद कैमरा सेंसिटिव जो है ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको 100 पे रखना है। इसके बाद आपने नो स्कोप कैमरे पे नो स्कोप को उसको 136 पे रखना है। इसके बाद रेड डॉट जो है, रेड डॉट उसकी रेंज थोड़ी होती है लेकिन वो कमाल का स्कोप है। ठीक है, उसको 100 पे रखना है। फिर बाद में 2x स्कोप को 60 पे रखना है, आपने 3x स्कोप को 200 पे रखना है। ठीक है, उसके बाद 4x स्कोप को 30 पे रखना है, 6 स्कोप को 163 पे रखना है। ठीक है, तो 8x को 19 पे रखना है आपने। उसके बाद ADS सेंसिटिविटी आ गई है तो इसको नो स्कोप 100 पे रखना है, रेड डॉट भी 100 पे रखना है। ठीक है, तो ये देख लें आपने, इसके मुताबिक आपने मेरी सेटिंग के मुताबिक आपने अपनी सेटिंग कर ली है। ठीक है, ये देख लें, ये देख लें, तो इसको इनेबल करना है ऑटो पिकअप को। ठीक है, तो ये देख लें आपने, ये इस सेटिंग के मुताबिक अपना स्कोप पिकअप जो है को तो उसको सेट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।